नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आठ नवम्बर दो को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को 77% सेवन परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सेवन की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू, सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोप फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है के के तो दोस्तों इस मूवी का बजट पच्चीस करोड़ के करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार भर को दुनिया घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व शावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी तो और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने खोलते तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT ओ टी टी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर 2019 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर निरत करता बाला अध्ययनशील व शवावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा कर उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह आपको पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 सेवन परसेंट रोटो से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस रीडिंग की तो दस में से की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के पर देखने को मिल गई तो है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट के की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां चौदह वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर निरतव करता बाला अध्ययनशिल व सावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है श्रोती के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है था बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवे में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर शोनम बाजवा, हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडो फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस इस मूवी मूवी के के बजट बजट की तो का करोड़ करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी की तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में 8 नवंबर 2019 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये एक आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बालों को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था 65वें फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व शवावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो थी और ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने खोलते तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों मूवी आपको इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो दस में से सेवन की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की, की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर दो हजार उन्नीस को दुनिया घरों में, में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर ब्लॉक के साथ उभरी है बालक को सत्ताईस सितंबर दो को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व शवा रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी और तो ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने खोलते तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवें में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता है बाला अध्ययनशिल वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है, है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवे में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई तो है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर बाजवा, हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडो फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस इस मूवी मूवी के के बजट बजट की तो का 25 करोड़ करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी की तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में 8 नवंबर 2019 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये एक आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बालों को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था 65वें फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व शवावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो थी और ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह आपको इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी है आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों तो आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को से जरूर जरूर से आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस रीडिंग की तो दस में से की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस, इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए फिल्म्स है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का हाँ कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां चौदह वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर निरतव करता है बाला व सावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है श्रोती के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है था बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस रीडिंग की, की तो दसवें में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की, तो की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट पच्चीस करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पाहुआ शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है, है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी है आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों तो आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवे में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर बाजवा, हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडो फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस इस मूवी मूवी के के बजट बजट की तो का करोड़ करीब था हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी की तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर 2019 को दो हजार उन्नीस में, में रिलीज किया गया था और ये एक और एक आलोचनात्मक व्यवसाय सफलता रही है फिल्म बहत्तर करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितम्बर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ठ अभिनेता खुरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां चौदह वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर निरत करता बाला अध्ययनशिल व सावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है श्रुति के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर से पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवें में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां चौदह वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर निरतव करता बाला अध्ययनशिल व सावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है श्रोती के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस इस प्रकार दोस्त की कहानी है आपको जरूर से जरूर से पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मुवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है इस इंटरेस्टिंग को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों तो आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से आप एक बार तो बात करें इस की आई एम डी बी रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सेवन की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 फोर परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट पच्चीस करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का हाँ कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां चौदह वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व सावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है श्रोती के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर बाजवा, हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडो फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर 2019 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व शवा रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थे और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोतियों को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने खोलते तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह आपको इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से आप एक बार तो बात करें इस की आई एम डी बी रीडिंग की तो दसवें में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की, तो की प्रोडक्शन कंपनी मेकडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट पच्चीस करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है, है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के डिजनी प्लस हॉटस्टार तो इस इस के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों .huh आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी एम रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सेवन की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट पच्चीस करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता है बाला अध्ययनशिल वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है, है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो दस में सेवन 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में सेवन पॉइंट थ्री की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडो फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी की तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में 8 नवंबर 2019 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये एक आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बालों को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था 65वें फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व शवा रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो थी और ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोतियों को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों मूवी आपको पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन सेवन परसेंट रोटो फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर से आप एक बार तो बात करें इस की आई एम डी बी रीडिंग की तो दसवें में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों तो यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट पच्चीस करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता है बाला अध्ययनशिल वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छे थे तो और ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है, है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम रिष्ट पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को दस में से सेवन पॉइंट थ्री की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को एसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर जरूर से जरौर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सदू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताइस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता है बाला अध्ययनशिल वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टमेटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर बाजवा, हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडो फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी की तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में 8 नवंबर 2019 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये एक आलोचनात्मक और व्यवसाय सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बालों को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक 2020 में प्रदर्शित किया गया था 65वें फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वेष सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व शवा रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 सेवन परसेंट रोटो से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर जरूर से आप एक बार तो, तो की आई एम डी बी रीडिंग की तो दसवें में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को 27 सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता है बाला अध्ययनशिल वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है, है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आठ नवंबर दो हजार उन्नीस को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवेंटी सेवन परसेंट रोटो टमाटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को सेवन परसेंट रोटो से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है तो बात करें इस मूवी के बजट की तो का 25 करोड़ के था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता है बाला अध्ययनशिल वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रोती को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है, है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें की आई की डी रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर बाजवा, हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडो फिल्म और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्तों इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर डबल ए दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर 2019 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक सौ करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ठ अभिनेता सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां चौदह वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर निरतव करता बाला अध्ययनशील व सावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी तो और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है श्रोती के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको OTT के ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाई जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा 8 नवंबर 2019 को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवनटी सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 77 परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई एम रीडिंग की तो दसवें में से थ्री की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टी के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की, की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की के, तो हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वेष्ट अभिनेता खुरान और सर्वेष्ट सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां 14 वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता है बाला अध्ययनशिल वावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी थी और ललिता की नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है के सामने तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथा कर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाला मूवी के बारे में मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आठ नवंबर दो हजार उन्नीस को रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी बाला इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया अमर कौशिक ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों यह मूवी आपको कई बार टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा दोस्तों इस मूवी को सेवेंटी सेवन परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी मुन परसेंट रोटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को से जरूर जरूर से आप एक बार तो बात करें, इस की आई एम डी बी रीडिंग की तो 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.3 की रीडिंग मिली हुई है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 84 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ, दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको के पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको आयुष्मान खुराना यामी गौतम भूमि पंडेनकर सोनम बाजवा हार्डी सद्दू सचिन चौधरी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा तेरह मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी तो की तो दोस्ती मूवी की प्रोडक्शन कंपनी मेकडोक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज है बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर की तो दोस्ती है बात करें इस मूवी के बजट की हाँ तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी का बजट 25 करोड़ के करीब था इस मूवी ने एक करोड़ का कारोबार किया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए बात करें इस मूवी की कहानी तो बाला को सात नवंबर 2019 को प्री शो में आठ नवंबर को हजार उन्नीस में सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और यह एक आलोचनात्मक और सफलता रही है फिल्म एक 172 करोड़ की कमाई के साथ यह ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर के साथ उभरी है बाला को सत्ताईस सितंबर 2020 को बार्ली इंडो जर्मन फिल्म वीक दो में प्रदर्शित किया गया था सिक्सटी फाइव फिल्म पुरस्कार में बालों को तीन नामांकन प्राप्त हुए हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खुरान और सर्वेष्ठ सहायक अभिनेता सीमा पावा शामिल है फिल्म की शुरुआत 2005 में कानपुर से होती है जहां चौदह वर्षीय एक गंजे शिक्षक को चिढ़ाते हैं बाल मुकुंद बाला शुक्ला एक लोकप्रिय बच्चा जो अपने केस विन्यास पर बहुत गर्व करता है शिक्षक को चिढ़ाने पर नृत्य करता बाला अध्ययनशील व सावली रंगत वाली ललिता त्रिवेदी के नोट सुधार लेता है जो पढ़ाई करने में अच्छी तो ललिता की नो, नोट नोटबुक नोटबुक और अपने नाम का एक स्टिकर छिपा उसे गोरी त्वचा वाली श्रुति को प्रभावित करता है जब उसे ललिता बुलाती है श्रोती के सामने स्टिकर खोलती है तो बाला उसे सावली त्वचा होने के लिए डांटता है कथाकर बताता है कि उसके सम्मान सुंदरता और गोरी त्वचा को अन्य उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण देता है खासकर विवाह में तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद